में लोटा नहीं मिल रहा है, बहुत भटक चुके हैं हम अभी, करीब 5 मिनट हो गए हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है ना, इसीलिए सब लोग लेंगे। कहाँ भाई? दोस्तों मैं शिवलिंग बनाऊंगा अभी, यहाँ पर आएगा। दोस्तों लस्तर और मंदाकिनी का ये संगम है दोस्तों, यहाँ से लस्तर, वहाँ से मंदाकिनी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय शिव शंकर। आज सोमवार के इस शुभ दिवस पर जो है दोस्तों, मैं जा रहा हूँ आज मंदिर। तो अभी मैं निकल चुका हूँ घर से और अभी रास्ते पर हूँ, तो अभी गाड़ी में बैठूँगा दोस्तों और उसके बाद सीधे मिलते हैं आपको मंदिर में। दोस्तों गाड़ी उधर से, वहाँ से गाड़ी आएगी और सीधा यहाँ पर, और तब मैं गाड़ी में बैठूँगा और सीधे तिलवाड़ा सुमाड़ी बाबा के मंदिर में। और मौसम भी कुछ ऐसा है दोस्तों कि आज बारिश की संभावना भी है, लेकिन कहीं कहीं धूप भी नज़र आ रही है। तो ऐसे में ये है कि बारिश ना ही लगे तो अच्छा है, क्योंकि जाना है मंदिर में तो फिसलन होगी। गाड़ी आने में लग टाइम लगा रही है। अच्छा आ गई है, आ गई, आ गई। क्या व्यू है, बहुत ज़बरदस्त। तो मैं पहुंच चुका हूं गेट पर, यानी कि मुझे अब यहां से नीचे जाना है। ये यहां पर नदी का शोर आपको सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि आजकल बारिश होते नदी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो मुझे ज़्यादा ज़ोर से बोलना पड़ रहा है दोस्तों। और मैं यहां पर अभी अभी गाड़ी से उतरा हूं, गाड़ी तो चले गई है और मैं रुक रहा हूं अरविंद को। खैर वो तो आ ही गया है, मेरे ठीक पीछे यहां से आ रहा है वो तिलवाड़ा मार्केट में था और मैंने उसको यहां बुलाया, और उसे रास्ता भी पता नहीं था, वो शिवालय की तरफ जा रहा था। आज हमें जाना है लाडा बाबा के मंदिर, और शिवालय के मंदिर जाएंगे हम अगले सोमवार या लास्ट सोमवार को दोस्तों। तो आज हम लाडा बाबा के मंदिर जाएंगे, जो कि नदी के इस पार है और शिवालय उस पार है। तो आखिर ये भी आ ही चुका था रास्ता, तो इसे पता नहीं था, मैंने ही बताया ये। हेलो भाई, जय भोले, जय भोले, क्या हाल है? तो ये अपने दीदी के ससुराल जा रहा था, और अपने दीदी के ससुराल जा रहा था, आज ही आया हो और हमारा मिलन यहाँ पर हुआ। अभी हम चलते हैं बाबा के दरबार में, आपको भी दर्शन कराते हैं दोस्तों, और खुद भी मनोकामना मांगते हैं आपके लिए भी। तो दोस्तों हम अभी प्रवेश द्वार पर ही हैं और अभी हम जा रहे हैं मंदिर में, और ये बजाई हमने घंटी, जय हो लाडा बाबा की, और यहाँ पर पहुँच रहे हैं। नदी का सुंदर नज़ारा, सुंदर स्वर कानों में गूंज रहा है। चप्पल उतार दिए हैं, मैं तो टन मारी। यह है बाबा का मंदिर पीछे से, और आगे से आपको दिखाते हैं। यह भी भेजा मंदिर में क्या बताए इसको, क्या लौंडा है, आदत नहीं है ना इसको ज्यादा, इसीलिए हम मंदिर में जाएंगे। अभी पहले तो लोटा वगैरह लाएंगे और उसके बाद जल चढ़ाने के लिए लोटा तो चाहिए तांबे का, यहाँ बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे मिलते हैं। मैं लोटा नहीं मिल रहा है, बहुत भटक चुके हैं हम अभी, करीब 5 मिनट हो गए हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है ना, इसीलिए सब लोग लेंगे। कहाँ भाई? तो फाइनली हमें मिल चुका है लोटा और इसे और बाल्टी भी, और एक ही साथ लाएंगे हम पानी और चढ़ाएंगे जल, भगवान को जल अर्पित करेंगे। पहले माँ, पहले जल अर्पित करेंगे, उसके बाद वहाँ से जल लाएंगे और फिर भगवान के पास अर्पण। हमने पानी चलते हैं आपको पूजा अर्चना करने के बाद, परिक्रमा करने के बाद दोस्तों, तब तक हम चलते हैं दर्शन करने। और हम दर्शन के लिए कतार में खड़े हैं, अंदर बहुत भीड़ है, अंदर सिर्फ लड़कियां हैं दोस्तों, और इसीलिए हम यहां पर खड़े हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मंदिर में भी हो चुकी है पूजा अर्चना, और हम चलते हैं अब ऊपर, कुछ मंदिर ऊपर हैं दोस्तों, उस तरफ चलते हैं और वहाँ भी पूजा अर्चना करते हैं, और उसके बाद मिलते हैं आपको। हमारी
बहनें भी मिल चुकी हैं हमें, हेलो करो। ठीक तो दोस्तों, प्रभु के दर्शन हो चुके हैं, हमने जो है पूजा अर्चना कर दी है, परिक्रमा वगैरह कर दी है दोस्तों, और अभी हम फ्री हो गए हैं। फ्री बोलने का मतलब यह है कि हम सब कुछ अब घर जाने की तैयारी है फिलहाल। अभी हम थोड़ा मार्केट जाएंगे। अरविंद पहली बार आया था यहाँ और एक तरह से अनजान ही बोल सकते, मैं करीब तीसरी या चौथी बार आ रहा हूँ। और अभी हम नदी के किनारे हैं और आपको मैं बता दूँ, आजकल नदी बहुत ही ज़्यादा आ रही है दोस्तों, मतलब काफ़ी ज़्यादा उफान पे है एक तरफ से बोल सकते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से ज़्यादा जल स्तर बढ़ चुका है और इतना शीतल जल, इतना ठंडा पानी है दोस्तों कि क्या बोलूँ। अगर आप भी यहाँ होते तो मज़े लेते। खैर, जो हमारे पहाड़ी भाई लोग होंगे, पहाड़ी दोस्त होंगे, वो तो इस चीज़ का आनंद ले रहे होंगे, इस ठंडे जल का। और अगली बार आएंगे और डुबकी भी लगाएंगे दोस्तों। इस बार खैर अभी उतना समय नहीं है। दोस्तों मैं शिवलिंग बनाऊंगा अभी, यहाँ पे आएगा। अला तो आराम से जा यार, तू तो आगे तू जाऊं मैं संग बांधू नहीं। यहां डूबने का भी डर है दोस्तों, क्योंकि पैर में चोट लग गया तो मैं वो भी नहीं कर पाऊंगा स्विमिंग। मत जा रहा, मत जा। और यहां पे तू इधर वीडियो कैमरे में ध्यान दे भाई, मैं स्विमिंग बना रहा हूं। सब्बा लो भूमि पर दे यार दोस्तों, ये परमानेंट तो नहीं है लेकिन मेरे ये एक निशानी है जो कुछ देर तक ही रहेगी। और अभी मैं हाथ धो लेता हूँ। जय हो श्री शंकर भगवान की, जय नागेंद्र हराय बुद्धगेंद्र, नागेंद्र हराय भगवान। दोस्तों अभी हम मंदिर से काफ़ी दूर आ चुके हैं और अभी हम मार्केट की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा वहाँ सामान वगैरह लेते हैं, उसके बाद गाड़ी में बैठते हैं और घर के लिए चले जाते हैं। वैसे अभी आज मंदिर में काफ़ी अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद आया हूँ, बहुत समय बाद आया हूँ दोस्तों। और पब्लिक भी ठीक ठाक थी आज, क्योंकि सोमवार का दिन है तो भीड़ रहती है। और हमने पानी चढ़ाया, जल चढ़ाया और दर्शन किए, काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। और फिर आएंगे अगले सोमवार को बाबा के मंदिर में, और अगली बार हम जाएंगे शिवालय जो कि बड़ा मंदिर है महादेव का, और वहाँ जाएंगे दोस्तों और आपको भी बताएंगे। और वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। ये है दोस्तों लस्तर नदी, जो कि हमारे ही साइड से आती है, हमारे गांव के नीचे से आती है, काफ़ी नीचे से आती है। वैसे लस्तर नदी है और यहाँ पर संगम है दोस्तों, लस्तर और मंदाकिनी का ये संगम है दोस्तों। यहाँ से लस्तर, वहाँ से मंदाकिनी, और ये सीधा चलती है आगे और रुद्रप्रयाग में मिलती है दोस्तों अलकनंदा के साथ, जो कि बद्री धाम से आती है और ये केदार धाम से आती है दोस्तों मंदाकिनी। और यहाँ पर ये संगम है दोस्तों, यहाँ पर सूर्यप्रयाग बोलते हैं यहाँ के लिए, इस संगम के लिए सूर्यप्रयाग बोलते हैं। और इस साइड शिवालय है और इस साइड लाड़ा बाबा का मंदिर। बहुत ही बुरे जाम में फंस चुके हैं सुमाड़ी में, बहुत ही ज़बरदस्त जाम, दो ट्रक आगे से लग चुके हैं ये डंपर। सामान तू निकाल, निकाल आराम से दादी, बेटा आराम से, आराम से बेटा। दाई मेरे खोटा बाजार प्रॉब्लम से नजर में, तो हमें अच्छा थे मोन तो रोना कक्ष इतने लौट दी दादी बूढ़ी ठीक था बुआ। मिली बैग है
ठीक है, ये गई गाड़ी वाड़ के लिए। हम पहुंच चुके हैं घर, फाइनली काफ़ी आनंद लिया आज, काफ़ी मज़ा किया और काफ़ी गर्मी भी थी वहाँ बहुत ज़्यादा, गाड़ी में भी काफ़ी गर्मी हुई। काफ़ी देर तक मैं बैठा रहा गाड़ी का वेट किया, जब जाके गाड़ी मिली तो थी, लेकिन मैं आ गया हम घर। अरविंद का घर आ चुका है दोस्तों, अभी अपना सामान निकालेगा मेरे बैग से। क्या क्या सब्जी क्यों मैं तुम केले अपने और क्या बहन पे हम। ठीक है, अरविंद तो गया अपने घर, मेरा भी ज़्यादा दूर नहीं है, बस यही है और चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सब कुछ करना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय विशाल, जय माता दी। अरे